रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एकदम बिल्कुल ठीक ठाक। और ये देखें जी, मौसम का नज़ारा। तो मैंने कहा आज मौसम को एंजॉय करते हैं, और मैंने डाले हैं हमसाए के घर कपड़े। तो मैंने कहा चले जी, जैसे ही मैं बाहर निकली हूँ, मैं कहा बारिश आए तो इससे पहले जाके मैं कपड़े ले आऊँ। काट दूंगी। ये देखें जी, हमारे मोहल्ले के वैड़ा, वैड़ा है क्या, वैड़ी, वैड़ा। और जनाब जी, वैड़ा थोड़ा सा डेंजरस है, लेकिन मैं फिर भी करीब से बना रही हूँ, अपनी जान हथेली पे कर कर, कहीं मैनू ठुड्डी ना मार दे भैया। मैं तो गोश्त पकाने नहीं इते, और ये स्लो स्लो आ रहा है, स्लो स्लो आ रहा है। और ये हमारे हमसाई का वैड़ा है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह ताला सबको तौफीक दे, और जिनको नहीं अल्लाह ताला उनको भी तौफीक दे, और इनको कबूल करे। चलो जी, ये खा रहा है घास, इससे पहले ये मुझे ठुड ना मार दे तो मैं साइड पे हो जाऊँ। ये जनाब जी अपने हुसन सवार रहे हैं, ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला कबूल करे। और जनाब जी, मैं कपड़े उठाने आई हूँ यहाँ, और मैं लगी हूँ जानवरों के साथ मस्तियाँ करने। ये देखें, ज़बरदस्त। रहमान रहीम। और जनाब, सारा दिन की थकावट के बाद अब आ गई है बारी रात के डिनर की। और बाज़ार गई हूँ, मैं कह चले जी आज ना बने बनाए कोफ्ते पका लेते हैं। और काफ़ी देर बाद मैंने ना कोफ्ते यानी बाज़ार से लिए, वरना पहले रेडीमेड ही मतलब लेती थी। ओ भाई, वो 1,000 रुपये के, 1,000 के 1 kg, और 600 के हाफ। तो मैंने कहा भाई नहीं नहीं ये बहुत ज़्यादा है, इससे बेहतर यही है बंदा 2 किलो मुर्गी ना बना ले। तो अब जनाब फाइनली फिर किया है ये, आलू उबाल कर और आलू की टिक्कियाँ बना रहे हैं, ठीक है। प्याज वगैरह इसमें कट गई है, साबुत धनिया वगैरह सब बीच में मिक्स कर दिया है। और इस खिदमत के अंजाम देने के लिए मेरे पास आए हैं मेरे हस्बैंड। और जनाब ये देखें, पुदीना बना रहे हैं। और मेरे ख्याल से पुदीना इतना बहुत है, ज़्यादा पुदीना नहीं डालते, क्योंकि ज़्यादा पुदीना डालने से कड़वाहट आ जाती है। और फिर हमने किया ये, मैंने बेसन लिया है, बेसन में मैंने थोड़ा सा सॉल्ट, कुटी मिर्च और थोड़ी सी मैंने सूखी मेथी शामिल की है। और अब इसको खूबसूरत करने के लिए थोड़ा सा इसमें मैं शामिल करूँगी जरदा रंग, ठीक है। पिछली दफ़ा मेरे हस्बैंड ने ना जलेबी कलर डाल दिया था, तो सारे ऑफिस में ना पूछ रहे थे भाई ये कौन सी है, ये तो कतलम्बे टाइप की लग रही है, कटलस। तो अब इसको करती हूँ और उसके बाद फिर मिलती हूँ। अब ये इसका मैं बनाने लगी हूँ अमीजा। तो टिक्कियाँ तलेंगे इसमें, अंडे अंडे से भी होती है, लेकिन ना ये ज़रा इसके साथ ज़रा मज़ा आ जाता है। और ये था कि आज ज़रा मोहल्ले में बकरियाँ, बकरे वगैरह देखे हैं, वैडे देखे हैं, थोड़ी सी वीडियो बनाई है। इंशाल्लाह कल थोड़ी हिम्मत ताकत होगी तो फिर ज़्यादा बनाएंगे, ठीक हो गया। और आपके जहन में ये आ रहा होगा कि भाई इफ्रा किचन वालों की बकरा किधर गया। पहले जनाब रखी थी बकरी, ठीक है, बकरी बकरी बकरियां रखी थी मैंने,
हमारी बकरियों के नाम भी थे। तो सबसे जो बेस्ट बकरी थी वो हमारी थी बिल्लो, और उसके हमारे लामे भी बड़े थे। हमारी बकरी थी तो ये था कि ना, जब वो बच्चे देती थी तो उसमें से ये था कि वालदा के घर भी शादी होता था, तो फिर ये था कि उस बकरी की खिदमत की जाती थी खाने वगैरह में, सफाई वगैरह में, तो उसका फिर अजर अल्लाह ताला की तरफ से ये मिलता था कि मुझे एक उसमें से बकरा मिल जाता था। तो फिर एक बकरा हम खरीद लेते थे, और जब कारोबार शब शबाह में थे ना, तो माशाल्लाह बड़ी बहार रही थी। अब भी अल्लाह का शुक्र है, इंशाल्लाह अल्लाह का हुक्म होगा तो इंशाल्लाह फिर से हम करेंगे। फिर ये था कि एक उससे हथियार होता था और एक हम खरीदते थे। तो खैर, अल्लाह ताला से ये दुआ है कि या अल्लाह बेहतर से बेहतरीन अता फरमा दे, और जो लोग करते थे जो अब नहीं कर पा रहे, तो बाकी उनकी कैफियत तो अल्लाह अल्लाह जानता है या हम जानते हैं। तो इंशाल्लाह परेशान ना हो, आप इफ्राक किचन को खूब खूब इफ्राक किचन को खूब यानी प्यार दें, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। ज़ाहिर पता है अब आप लोगों के देखने में सारी बात है ये। और जी, और थोड़ा सा ज़रा दिनों थोड़े दिनों में ना, मेरी ज़रा वीडियो थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रही थी, थोड़ा दिल भी नहीं कर रहा था, और बस ये है कि ये चने जी बोले। देखें अच्छा जी, बस, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। ये देखें जी, अब हम बना रहे हैं टिकियां। यह मेज़ा डाल दिया और आए हाय हाय, चस्के जैसे कहते हैं ना, चस्के तो होना आणगे मज़ेदार। ओह माय इसके अंदर ये गॉड, लेमन निचोड़ के क्या क्लास की जो टिकियां बनेंगी इंशाल्लाह, बाफजले खुदा जो खाएगा और वो भी इसका नज़ारा लेगा। अभी फिलहाल ये नज़ारा तो लेंगे इनके बच्चे। और ये देखें जी, बहुत मज़े की माशाल्लाह लग रही हैं। और जो ये लेमन जो उसमें डाला गया ना, उसकी बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, ये देखें। और एक वालिद अपने बच्चों के लिए माशाल्लाह ये कर रहे हैं, और यही दुआ करूँगी अल्लाह पाक हम सब की आल औलाद को अल्लाह ताला का, अपने महबूब का इताअत गुजार बनाए, और माँ बाप की इज्जत करने वाला बनाए, और सब की औलाद माँ बाप की आंखों की ठंडक बनाए, इनकी तरफ से मैं ठंडी ठंडी हवाएं अता करें, आमीन। और भाई मेरे चैनल को भाई खूब खूब करें, मेरी वीडियो को कम से कम 3 से या 3 मिनट तो देखा करें ना, ताकि देखा, अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे नहीं तो मेरा वॉच टाइम कैसा पूरा होगा, और मेरा वॉच टाइम नहीं पूरा होगा तो भाई यूट्यूब ने तो मुझे मुंह भी नहीं लगाना। तो जनाब जी, मेरा ये जो टास्क है यूट्यूब वाला, ये इसमें पूरा करने में मेरी हेल्प करें, और जनाब मेरी वीडियो को देखें। और हाँ, आप सबका बहुत बहुत थैंक यू, आप मुझे बहुत प्यारे कमेंट करते हैं, आप लोग मुझे दुआएं देते हैं, अल्लाह पाक के तमाम दुआएं आपके आपके बच्चों के, आपके घर वालों के हक़ में और माँ बाप के हक़ में कबूल करें, आमीन। और आज मैं बहुत थक गई हूँ कपड़े धोकर, और फिर ये था कि पीछे जो फिरती रही हूँ क्योंकि कपड़े स्पिन किए हुए थे, और ये था कि थोड़ी हवा लगनी थी तो कपड़े सही होने थे, अगर वो ना होते तो मेरे कपड़े ना सारे अजीब सी ना, वो जैसे बरसात में स्मेल सी नहीं आती वो आ जानी थी, इसलिए ये मुझे देखें जी, अगर आप लोग हमारी वीडियो को देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो इससे हमारी हौसला अफज़ाई होगी। तो जब हमारी हौसला अफज़ाई होगी तो हम फिर अच्छी अच्छी चीज़ें भी कोशिश करेंगे लेकर आएं, बनाएं, दिखाएं, और इंशाल्लाह लेकर आते रहेंगे। बस ये आप लोगों का तावन चाहिए हमें, आप लोग तावन करें, हमारे से प्यार करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को। टिक्कियाँ ऑलरेडी हो गई हैं रेडी, और ये हो गया है ऑयल गरम, और जनाब जी ये मैंने चंगा पला इसका खोल दिया है ताकि फटाफट मैं रोटियाँ बनाऊँ, और ये मैंने बेल ली है रोटी, और ये मेरे बेटे हैं, और ये हस्बैंड मेरे यहाँ टिक्कियाँ और बना रहे हैं, ताकि सुबह बच्चों के लिए जाना है तो उनके लिए लंच हो जाएगा। ठीक हो गया, अब ये देखें मैं ना इस तरह दो रोटियां एट ए टाइम बना लेती हूँ, तो तवा वहां पर कर देती हूँ और साथ ही ये इस तरह कर देती हूँ रोटी, और मेरी बन जाती है रोटी जल्दी, और मेरी जल्दी रोटी पकाने में मुझे कहा जाता है मैं हूँ काम चोर। तो जी हाँ, मैं हूँ काम चोर भाई, इतनी गर्मी में काम चोर ही ना हो तो बंदा हो क्या करे, बंदा सीख कबाब बना ले तवे के ऊपर अपने,
तो ये है कि मैं दो तवे रखकर भी फटाफट माशाल्लाह, ये अल्लाह ताला की तरफ से मुझे समझे गिफ्ट है कि मैं दो तवों पे भी रोटी बना लेती हूँ, और आलू वाले पराठे भी दो पे कर लेती हूँ। तो अब ये, अब मेरे हस्बैंड आ रहे हैं दूसरी साइड पे, फ्राई पैन रखा हुआ है, ऑयल गर्म हो गया है, अब वो तलेंगे टिक्कियाँ। और जनाब अब ये थोड़ी सी वीडियो करने के लिए थोड़े से वो हो रहे हैं, ताकि आपको मेरी ठा ठा की आवाज़ ना आए, क्योंकि जब मैं रोटियां बनाती हूँ तो मैं उसको भाई खूब ठा ठा मारती हूँ। तो भाई तीन घरों को पता चलता है, तीन घरों को इसलिए पता चलता है, दाएं और बाएं, के भाई आज इफ्रा किचन में पकड़ी है रोटियां। रखो हाँ तो ये एक भी मैं दिखाती हूँ आपको जनाब, ये देखें बन गई हैं। एक वालिद ने अपने बच्चों के लिए बनाई हैं आलू की टिक्कियाँ, और एक मामा ने बनाया है बेसन का, क्या कहेंगे, आमेजा, और उसको हम फ्राई करेंगे। ठीक हो गया, ये देखें जबरदस्त कितने कलरफुल आ रहे हैं ना, ग्रीन। ठीक हो गया, इंशाल्लाह ये बड़े मजे की होंगी, इंशाल्लाह चस्के इंशाल्लाह। ते होन आणगे मजेदार। और बेल आई काम को ना प्रेस करना हरगिज ना भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो आपसे इल्तमास है अब हमारी उर्दू भी सही हो कि जाएगी। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज ना भूलिएगा। और दिल ना करें तो वीडियो लगा के ये देखें जी, हमारी टिक्कियां तैयार हो गई हैं और ये अमेजा मिसेज ने तैयार कर लिया है, जिसमें ये टिक्कियां बनेंगी। और ये चस्के मजे ते होना आनगे मजेदार टेस्टी। बासमती हो गया ना ये टिक्कियां बना के। हाँ और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, प्यार मोहब्बत करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा, ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और इंशाल्लाह इसी तरह आपका तामन रहेगा। और इंशाल्लाह ये देखिए जनाब जी, ये हो रही है प्यारी सी आलू की टिक्कियाँ, और कलर हमसे डल गया जरा खूबसूरत सा। ठीक हो गया, फ्राई पैन छोटा ना। ओ बिस्मिल्लाह, ओ बिस्मिल्लाह। तो जनाब कपड़े धोने के बाद अगर बीवी थक जाए तो हस्बैंड इस तरह हेल्प करते हैं। ठीक हो गया, अब ये मैं बनाने लगी हूँ, उन्होंने मेरी हेल्प की है तो मैं इनका बनाने लगी हूँ आलू वाला पराठा। तो अब आलू वाला पराठा बनाते हैं इनके लिए। ठीक हो गया, ये हो गया हमारा पराठा एकदम रेडी, और सारे मुझे कहते हैं घी बहुत कम लगाती है। तो भाई जनाब जी, ये है डॉक्टरी फार्मूला कि अगर आप चाहते हैं कि 40 साल के बाद आपको ब्लड प्रेशर शुगर ना हो, तो आप जनाब जी कम घी का इस्तेमाल करें। और ये पीछे से मुझे आवाज़ आ रही है, मेरा छोटा बेटा कह रहा है शेक, मुझे शेक कह रहा है। हेलो जी, तो ये हमारी बन गई है टिक्कियाँ तैयार, और ये हमारे हो गए आलू के पराठे तैयार, और ये हमारा हो गया है रात का बड़ा मज़ेदार सा, एकदम मज़ेदार सा हमारा डिनर रेडी। और जनाब कभी कभी ऐसा भी होता है, कोफ्ते बनाते बनाते जनाब जी कभी कभी आलू की टिक्की भी बन जाती है, तो खैर कोई बात बनती नहीं। तो ये बार बार ना ऐसे मेरे कान में कह रहा, मम्मा जल्दी कर लो जल्दी कर लो, इसलिए मोबाइल चाहिए। तो इंशाल्लाह अब मैं खूब मेहनत करूंगी, क्योंकि अब आसिम को भी मोबाइल लेके देना, तभी मेरे मोबाइल की जान छुटेगी। तो जी यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं, आप सबके देखने का बहुत बहुत जज़ाकअल्लाहु खैरा, और मेरी वीडियो को कम से कम 3 मिनट ज़रूर देखा करें, ये आपकी मोहब्बत होगी और ये आपकी तरफ से मेरे लिए हौसला अफजाई होगी। चलिए जी, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, अल्लाह हाफिज़।